तो स्टार्ट करते हैं टीवी एंड आईटीवी की एक्सरसाइज जो अपन पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं। टीवी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आईटीवी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे टीवी का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाता है, बी लगाने के बाद कैसे सब्जेक्ट पे जाता है, कैसे आईटीवी में ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो प्रीपोजिशन का होता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का होता है, या तो प्रीपोजिशन का या टीवी का, ये सब चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसी को आज अपन वापस कंटिन्यू करेंगे। जो आज ये वीडियो पहली बार देख रहा हो, उसको कुछ समझ में नहीं आता हो थोड़ा सा भी, तो पिछले जो 2-3 वीडियो टीवी एंड आईटीवी के, एडजेक्टिव के, वर्ब के, उन सबको देख के उसके बाद अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, इंग्लिश पूरी ईजी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर दो जने भी देख रहे हैं ना मेरे वीडियो, तो मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वो दो जने से कम सीखे, ठीक है। और जिसको पढ़ना है इंग्लिश अच्छे से, वो पूरे वीडियो शुरू से पीछे से देखे ताकि उनका बेसिक क्लियर हो, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से। स्टार्ट करते हैं टीवी एंड आईटीवी प्रैक्टिस। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, फ्लड कैन नॉट ब्लैंक स्पेस दिस एरिया। अब यहाँ पे देखो कैन नॉट, नॉट कैन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैन। सबको पता है कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के बाद, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये नहीं है, तो ये है, ठीक है भाई साहब, सबको पता है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बाकी चीज़ भी पता होनी चाहिए अपन को। बाकी चीज़ कैसे हैं, ये जो इफेक्ट है ये क्या चीज़ है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। बहुत सारे को पता होगा कि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये नाउन है, ये नाउन की पोजीशन नहीं है, यहाँ वर्ब की पोजीशन है, तो नहीं आ सकता, ये वर्ब नहीं है, नाउन है, ठीक है, प्रभाव। और इसका जो वर्ब बनती है वो वर्ब बनती है अफेक्ट, ठीक है, ये अफेक्ट वर्ब है, ये नाउन है। नाउन कैसे निकालते हैं, एक रिदम पकड़ते हैं, क्या, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा इफेक्ट, सही बोलने में लग रहा है, अगर बोलने में सही लगता है तो फिर वो नाउन होती है, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा पेन, तुम्हारा इफेक्ट सही है, तो ये नाउन हो जाएगी। यहाँ पे इफेक्ट वर्ब है, क्यों, क्योंकि इफेक्ट में ईडी और आईएनजी दोनों में से कुछ ना कुछ ले रहा है, ईडी ले रहा है, तो ये ईडी ले रहा होता है, यानी कि वर्ब हो जाएगा। वर्ब वो वर्ड होता है जो ईडी और आईएनजी में से कुछ ना कुछ एक वर्ड लेता हो अपने पीछे, इसके ईडी लगा सकते हैं तो शब्द है, हाँ है, तो ये वर्ब है। बात करें इफेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव है जो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ वर्ब की पोजिशन है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कैसे पता पड़ा, इफेक्टिव यानी प्रभावित हाँ, प्रभावित यानी क्या होता है, प्रभावित क्या, स्टिकर मेथड लगा लो यहाँ पे, स्टिकर मेथड से, जैसे इफेक्टिव मेथड, इफेक्टिव टीचर, तो टीचर क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा दिया, क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिकर मेथड से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पे नहीं आ सकता। एडजेक्टिव का एक और मेथड बताया था मैंने डायरेक्ट वाला, वो क्या था, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम इफेक्टिव हो, अगर ऐसे बोलने में सही लगा, जैसे नाउन क्या था, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा इफेक्ट, सिमिलरली एडजेक्टिव के लिए क्या है, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम इफेक्टिव हो, तो ये वाला इफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए जो कि ये है, और ये क्या है, टीवी वर्ब है, क्योंकि ये जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर किसी वर्ब के बाद जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो किसी सेंटेंस में, अगर वो सेंटेंस सही है, तो ये जो वर्ब भरोगे वो टीवी होगी, वो जो वर्ब लिखोगे यहाँ पे वो टीवी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का होता है, या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर टीवी का होगा, और यहाँ पे प्रीपोजिशन तो कहीं दिख नहीं रहा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो क्या हो जाएगी, टीवी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव का एग्जांपल देख लेते हैं, एन इफेक्टिव मेडिसिन, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली मेडिसिन, जिसने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो अपनी बॉडी पे, जैसे मतलब अच्छे प्रभाव दिए हो अपनी बॉडी पे, उसने बॉडी पे अच्छा काम किया हो, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मेडिसिन, पॉजिटिव वाला। बात करें अफेक्टेड एरिया, जैसे बाढ़ से कोई एरिया अफेक्ट हो गया, मतलब बाढ़ आई, तबाही आई, तो वहाँ पे कोई एरिया अफेक्टेड हो गया, तो ये जो अफेक्टेड होता है ना, नेगेटिव के लिए होता है मैक्सिमम, किसके लिए होता है, नेगेटिव के लिए। कहीं ऑप्शन में आ जाए वहाँ पर, अगर वहाँ पे अपन को एडजेक्टिव बनना हो किसी क्वेश्चन में, वहाँ पे अफेक्टिव और अफेक्टेड दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, तो उसको देखना कि वहाँ पे जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है या नेगेटिव सेंस में जा रहा है। अगर पॉजिटिव सेंस में जा रहा होगा तो वहाँ पे इफेक्टिव डालेंगे, अगर नेगेटिव सेंस में जा रहा होगा तो वहाँ पे अफेक्टेड डालेंगे। क्यों, क्योंकि अफेक्टेड जो है वो नेगेटिव चीज के लिए, जैसे बाढ़ से कोई एरिया प्रभावित हो गया तो वहाँ पे नेगेटिव चीज़ हुई है, तो यहाँ अफेक्टेड आएगा, किसी ने कोई योगा किया, कोई एक्सरसाइज करी या कोई दवाई ली, तो उससे उसकी दवा हालत सुधर गई, तो मेडिसिन क्या हो जाएगी, इफेक्टिव मेडिसिन हो जाएगी, ना कि अफेक्टेड मेडिसिन होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें अफेक्टेड, ये जो वर्ब थी अफेक्टेड जो मैंने लिखा था, ये अफेक्टेड वर्ब है, टीवी है, कैसे पता चला, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने बताया था, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधा इस पे जा रहा है, जैसे अफेक्ट से पूछे टीवी को कैसे निकालते, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछो, अफेक्ट से व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछो, या देखिए लिख दिया अपने फ्लड के अफेक्ट दिस एरिया, अफेक्ट से क्वेश्चन पूछो, अफेक्ट व्हाट,
प्रभाव डालना है, प्रभावित करना, व्हाट क्या क्या प्रभावित करना है, दिस एरिया, इस एरिया को प्रभावित करना, इस एरिया को प्रभावित कर सकता है। फ्लड कैन अफेक्ट, फ्लड बाढ़ प्रभावित कर सकती है, क्या क्या प्रभावित कर सकती है, किसे प्रभावित कर सकती है, दिस एरिया इस एरिया को प्रभावित कर सकती है। व्हाट ए होम से क्वेश्चन पूछने पर इफेक्ट इस पे आ रहा है ना, इफेक्ट इस पे आ रहा है ना, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे प्रभावित करना, किसको प्रभावित करना, किसको प्रभावित करना, ये किसको प्रभावित करना, एरिया को प्रभावित कर रहा है ये। अब फिर से क्वेश्चन पूछा व्हाट या होम से, व्हाट या होम से, तो अच्छा इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पे जाता हो तो हो जाएगा टीवी हो जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीएम विल सर्वे द अफेक्टेड एरिया। अब देखो पीएम सर्वे कर रहा है, सर्वे करें यानी कोई गलत चीज़ हो गई वहाँ पे, बाढ़ वाड़ आ गई तो पीएम सर्वे करने निकले हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, तो अफेक्टेड एरिया, सर्वे विल सर्वे द अफेक्टेड एरिया, ये जो ये एरिया क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और जो अफेक्टेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्यों, एरिया कौन सा एरिया, अफेक्टेड एरिया, वो वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बताते हो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो क्या ही अफेक्टेड क्या है, विशेषता बता रहा है इस एरिया की, क्या बता रहा है कि ये जो एरिया है ये अफेक्टेड है, तो विशेषता बता रहे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल, और आर्टिकल हमेशा नाउन के बाद आता है, नाउन के जस्ट पहले आता है, लेकिन जब अगर एडजेक्टिव आ जाए ना तो यहाँ पे बीच में नहीं आ सकता, यहाँ अफेक्टेड द एरिया नहीं आ सकता, आर्टिकल एडजेक्टिव के आगे आएगा फिर, ठीक है। अगर एडजेक्टिव, अगर आर्टिकल आना होगा तो वो अगर वहाँ पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो उसके बाद पहले आ जाएगा, जैसे हो जाएगा द अफेक्टेड एरिया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा अफेक्टेड द एरिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस एक्सरसाइज विल ब्लैंक स्पेस यू टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दे, इनेबल, एबल और एबिलिटी। सिंपल से देखो, विल दे रखा है, वर्क की फर्स्ट मानी चाहिए, है ना, वर्क फर्स्ट मानी चाहिए। एबल क्या है, एबल क्या है, एडजेक्टिव, जो कि नहीं आ सकता, यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, एबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसकी कैसे पता चला, एडजेक्टिव मैंने बताया, तुम गुड़ हो, तुम बैड हो, तुम एबल हो, क्या हो जाएगा, एबल एडजेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। एबिलिटी क्या है, नाउन है, कैसे पता चला मुझे, एबिलिटी यानी बोलो, जैसे क्या बोलता हूँ मैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारे रेशर, तुम्हारी एबिलिटी, तो यहाँ पे नाउन भी नहीं आ सकता, यहाँ पे वर्ब आएगा तो एबिलिटी इससे हो जाएगा। इनेबल, इनेबल में इनेबल वर्ब है, कैसे पता चला, इसमें ईडी और आईएनजी दोनों एक्सेप्ट कर रहा है, ईडी लगाओ, इनेबल्ड, ईडी लग रहा है तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है, वर्ब हो जाएगी, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी, इनेबल आ जाएगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। एबल की वर्ब क्या बनती है, इनेबल बनती है, और एबल का नाउन क्या बनती है, एबिलिटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनेबल डाल दे, इनेबल से, इनेबल क्या है, टीवी है, क्या है, टीवी है, है ना, क्योंकि जैसे टीवी से पूछेंगे, टीवी का इफेक्ट इस पे जा रहा है सीधा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके जस्ट बाद, तो वो ऑब्जेक्ट है ना, या तो टीवी का होगा या प्रीपोजिशन का, और यहाँ प्रीपोजिशन तो कहीं दिख नहीं रहा, टीवी दिख रही, तो इसी का तो ऑब्जेक्ट होगा ना, तो जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो टीवी होती है, तो टीवी हो जाएगी। अभी तो लर्न इंग्लिश क्या है, ये लर्न इंग्लिश क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस टू का, किसका ऑब्जेक्ट है, इस टू का, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का होता है, या तो टीवी का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। यहाँ पे जो टीवी थी उसका ऑब्जेक्ट ये यू हो गया था, और यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है टू, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा लर्न इंग्लिश, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो चीज़ का होता है, या तो प्रीपोजिशन का या टीवी का। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद अगर कोई चीज़ लिखी हुई, नाउन लिखी हुई, तो उसका ऑब्जेक्ट है। टीवी के जस्ट बाद कोई नाउन लिखी हुई तो वो उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे टीवी के जस्ट बाद यू लिखा हुआ है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद कुछ नाउन लिखी हुई है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब जैसे अपन नॉर्मल बोलते हैं, दिस एक्सरसाइज विल मेक यू लर्न इंग्लिश, ये भी बोल देते हैं, बोल देते हैं ना बहुत सी बार, तो यहाँ पे मेक नहीं आ सकता, इनेबल ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो मेक है ना ये बेयर इन्फिनिटिव लेता है। अब बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जो टू लर्न है ना ये कंप्लीट टू लर्न, ये फुल इन्फिनिटिव है, ये टू लर्न कंप्लीट है ना, ये फुल इन्फिनिटिव है, तो कि जो इनेबल के साथ आता है। जब मेक की बात करते हैं, चलो नीचे देखते हैं, दिस एक्सरसाइज विल मेक यू लर्न, यहाँ पे केवल बेयर इन्फिनिटिव है, देखो यहाँ पे टू नहीं लिख रहा, यहाँ पे देखो टू लिख रहा है, यहाँ पे टू नहीं लिख रहा, तो ये जो मेक है ना बेयर इन्फिनिटिव लेता है, क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव, क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव, और जो इनेबल क्या लेता है, फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, ओनली वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मैं आगे बताऊंगा, अभी ये बीच में एग्जांपल आ गया इसलिए मैंने बता दिया आपको, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना, यू शुड सेव मनी फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पे जो सेव है ये क्या है, वर्ब है, वर्ब भी कौन सी, टीवी है, क्योंकि इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का होता है, प्रीपोजिशन का या फिर टीवी का। यहाँ पे प्रीपोजिशन तो आपको कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, टीवी दिख रहा है, वर्ब भी दिख रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ये टीवी हो जाएगी। और ये भी ये फोर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और ये द फ्यूचर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि अरे ये ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, इस फोर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस फोर प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सेव का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मनी,
ठीक है। सेव टीवी कैसे है, कैसे पता चला? सेव से क्वेश्चन पूछो व्हाट या होम से, यू शुड सेव, तुम्हें सेव करना चाहिए। क्वेश्चन पूछो व्हाट से, व्हाट यानी क्या, क्या सेव करना चाहिए, मनी, ऑब्जेक्ट में इफेक्ट जा रहा है ना अपना, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फोर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्यूचर, द फ्यूचर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आर्टिकल। अब देखिए, मैंने पहले बताया था यहाँ पे, अभी जस्ट पहले बताया था कि आर्टिकल नाउन के जस्ट पहले आता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए तो फिर द, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव डाल दीजिए द कमिंग फ्यूचर, तो कमिंग द कमिंग फ्यूचर या द गुड फ्यूचर ऐसे कुछ भी डाल दो, द गुड फ्यूचर, गुड क्या है एडजेक्टिव, तो अब द गुड फ्यूचर, तो अब यहाँ पे द ना कि गुड द फ्यूचर आएगा, क्यों, क्योंकि जब एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव जो होता है वो, जब एडजेक्टिव जो होता है वो आर्टिकल और नाउन के बीच में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाई वोल्टेज विल हीट द दिस वायर, अब हीट क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, क्या वो हीट यानी गर्म करना, गर्म करना से क्वेश्चन पूछो क्या, व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछो व्हाट, हाई वोल्टेज गर्म करेगा क्या, क्या क्या दिस वायर, इस वायर को गर्म करेगा, अपने आप इफेक्ट जा रहा है ना, ये टीवी और इसका ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, वन शुड प्यूरीफाई द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, अब यहाँ पे वन शुड प्यूरीफाई, प्यूरीफाई यानी ये क्या हो जाएगा टीवी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा द वाटर से क्वेश्चन पूछो व्हाट या व्हाट या होम से, है ना। वन शुड प्यूरीफाई, प्यूरीफाई करना चाहिए किसे, होम से क्वेश्चन पूछने पर आंसर मिल रहा है, किसे, किसे प्यूरीफाई करना चाहिए या क्या प्यूरीफाई करना चाहिए, वाटर को प्यूरीफाई करना चाहिए, किसको, वाटर को प्यूरीफाई करना चाहिए, अपने आप इस पर इफेक्ट डाल रहे थे, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालने का नहीं हो जाएगी टीवी, ये बिफोर क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ड्रिंकिंग क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी अभी ड्रिंकिंग का, ड्रिंकिंग को ऑब्जेक्ट बोला मैंने, क्यों, क्योंकि जो ये ड्रिंकिंग है ना ये जिरंड है, क्या है जिरंड, ये जिरंड भी एक तरह से ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं ये, जब अपन को नॉर्मल नाउन से ऑब्जेक्ट, नाउन क्या होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं, बट अगर वर्ब से अपन को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो जिरंड फॉर्म में उसको बनाते हैं, जिरंड फॉर्म में यानी कि आईएनजी फॉर्म में, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको जिरंड बना सकते हैं, जिरंड बना सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं जिरंड कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अभी, ये जिरंड भी आएगा और ये जो बेयर इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव इसको भी बताऊंगा आगे। वन वर्ड देख लेते हैं आज के, कार्निवोरस, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, जो मांस खाता हो, कलीग्स, कलीग्स यानी होता है सहकर्मी जो साथ में काम करते हो, कोक्यूट यानी क्या होता है चुलबुली औरत, कोक्यूट यानी क्या होता है चुलबुली औरत, कैनिबल यानी नरबक्सी जो नर मांस खाता हो, कैनिबल यानी नरबक्सी। आगे बढ़ते, अ वाइट एलिफेंट क्या, अ वाइट एलिफेंट यानी क्या होता है कि मांगी परंतु बेकार वस्तु, मांगी है लेकिन बेकार वस्तु है, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर यानी ईमानदार, फेयर एंड स्क्वायर यानी ईमानदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देर इज नो लव लॉस्ट, देर इज नो लव लॉस्ट यानी अच्छे संबंध न होना, देर इज नो लव, नो लव प्यार नहीं, यानी कि अच्छे संबंध नहीं है। प्ले हो यानी तबाही मचाना, ये हो गए टीवी आईटीवी और ये अपने वन वर्ड और फ्रेजन एंड फ्रेज वगैरह हो गए, ठीक है। अपने आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं यहाँ पे पूरी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको भी इंग्लिश सीखनी है उनसे बोले आप कि आप एग्जाम के लिए देख लो या किसी भी कंपटीशन के लिए देख लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, तो मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन लोग देख नहीं रहे, मैं बस उन लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ जो केवल कंटिन्यू, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कंटिन्यू देखने पर समझ में आएगी, क्योंकि अगर नाउन एडजेक्टिव वर्ब नहीं देखा होगा किसी ने तो मैं जब अभी बोल रहा हूँ, जैसे अभी भी बता रहा हूँ तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम गुड़ो तुम बैठो, लेकिन मैं कब तक बताऊँगा, क्योंकि इससे क्या टाइम ड्यूरेशन खींच रहा है और इससे क्या होता है मेरा ही नुकसान, क्योंकि लोग क्या ना ज़्यादा ड्यूरेशन का टाइम देकर वीडियो को नहीं देखते, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जो वीडियो उनको देखें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।